पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो ना विषय का ज्ञान हो। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ तो भगवान ने हमको भी दी है। हारना है तो कोई नया और बेहतर प्रयास करना होगा। आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। ये जो सम्राट चौधरी है जो लालू को बोल दिया कि कैंसर है, किसको, लालू यादव को बोल दिया कि कैंसर जी, और उसका जो परिवक्ता बोल दिया कि उसका एड्स है, इस पे मैं क्या बोलूं बताइए। अब भाई देखिए, बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं उसका स्तर है, वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूँ खुद से, न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूँ। मैं किसी नेता और दल की शिकायत करने या उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो अभियान है, मैंने आपको बताया, मुझे समाज के साथ काम करना है और मैंने अपने जीवन के लिए यही तय किया है। आपको ऐसा लग सकता है कि भैया इसका कोई असर नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि बिहार में जितने लोग को आप नेता मानते हैं या जो लोग भी राजनीति करते हैं, उनसे कम राजनीति की समझ हमको भी नहीं है। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ तो भगवान ने हमको भी दी है। बिहार में जो सबसे बड़ा नेता होगा, इनके नेताओं के नेताओं को हमने सलाह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ बिहार की राजनीति की समाज की समझ नहीं है, लेकिन हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हमने अपने लिए, बिहार के बेटा होने के नाते, हमने अपने लिए तय किया है कि नहीं, अगर बिहार को सुधारना है तो कोई नया और बेहतर प्रयास करना होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है कि नहीं इस काम को किया जाए। अब ये आपका निर्णय है, समाज का निर्णय है कि आप इसमें कंडा लगाते हैं कि नहीं लगाते, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप, मैं जितने भाषण देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप जाकर देख लीजिए, मैं तो लोगों को ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप उनको वोट दीजिए या हमारा दल है हमारे साथ जुड़िए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। अगर आपको वो बात समझ में आए तो बहुत आपका स्वागत है, और अगर नहीं समझ में आए तो भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन जिंदगी तो आप ही के है, लड़का बच्चा आप ही का भोग रहा है,